भैया मार्केट इस तरह की है, आपको चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स ही देखने को मिलेंगे। आपको इस हाथ में ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, इस हाथ को भी ड्राई। यहाँ भैया एक मार्केट लगती है जहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते रेटों पे, होलसेल और रिटेल दोनों में। हाँ भैया मुझे देखने मिली साबुत मिर्चें, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, जीरा, ऐसी बहुत सारे दाना है जो बड़ा है, ठीक है। इसको 240 बोलते हैं, डब्ल्यू जेड ये आपसे रहेगा। ईरानी पिस्ता है, ईरानी पिस्ता है सर, जो लाल रंग का निकलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ईरानी पिस्ता है जो कि अबू अखरोट। तो सर हमारे पास 200 रुपए किलो से स्टार्ट है, 200 रुपए किलो अखरोट पड़ेगा। अरे वाह, देख सकते हैं 200 वाला कौन सा रहेगा भाई। ये आपका कागजी हो गया, ये देख सकते हैं। अरे वाह, एक ही मुट्ठी दबाया और टूट गया आपसे। ये इतने से दाने में आपको ऑयल कंटेंट दिखा देता हूँ। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। तो भाई यहाँ चलते हो, यहाँ भैया मुझे देखने मिले मसाले, ठीक है। मसाले मिल जाएंगे आपको, पिसे हुए साबुत मिल जाएंगे और आप चाय पत्ती भी मिल जाएगी यहाँ पे। ये किसा देंगे भाई, क्या नाम है तो सबका? नाम मेरा शिवा, मैं झूठ ना बोलूं जब भी मुंह खोलूं, महंगी वाली डाइट में सस्ते मांग में। अरे अरे, तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें देखने मिली दालें, ठीक है। सभी प्रकार की दाल हमें यहाँ पे देखने को मिली, पता करते हैं भैया ये। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया मुझे मसाले देखने मिले और मुझे ये गरम मसाला भी देखने को मिला, ठीक है। गरम मसाले आपको साबुत गरम मसाले मिल जाएंगे, काला नमक भी मिल जाएगा। काला नमक, ये सेंधा नमक है, लोहरी लोहरी से नमक है और ये काला नमक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण व्लॉग पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको एक बार दोबारा लेके आ गया पुल मिठाई सदर बाजार। इसको पीली कोठी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भैया एक मार्केट लगती है जहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते रेटों पे, होलसेल और रिटेल दोनों में। आज हम एक बार दोबारा ऐसे में चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या लेटेस्ट प्राइस देखने को मिलते हैं। सब कुछ कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में, बस आप वीडियो पे बने रहना। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन आपको 30 पड़ेगा, वहां से आप ई रिक्शा लेके यहाँ पर आ सकते हैं। मार्केट खुलने का समय सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक है, आप इस बीच कभी भी आ सकते हैं और सातों दिन ये मार्केट खुली रहती है। तो चलो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मार्केट दिखा दूँ, मार्केट किस तरह की रहती है। भैया मार्केट इस तरह की है, आपको चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स ही देखने को मिलेंगे। आपको इस हाथ भी ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, इस हाथ को भी ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको मसाले, ड्राई फ्रूट, दाल, इस तरह के आइटम मिल जाते हैं। तो चलते हैं किसी भाई के पास और पता करते हैं प्राइस, क्या क्या प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मार्केट काफ़ी सुंदर है, जैसे मैंने बताया, इधर भी देखो चाहे इधर भी देखो, आपको चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स ही देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं किसी भाई के पास प्राइस पता करने। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया मुझे देखने मिली साबुत मिर्चें, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, जीरा, ऐसी बहुत सी आइटमें देखने मिली। गोला मिला साबुत और भी यहाँ पर किशमिश, काजू बादाम, काफ़ी सारी चीज़ें। भैया से जानकारी लेंगे क्या क्या प्राइस की हमें ये यहाँ मिलने वाली है। तो भैया जी कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? रोहन भाई, ये माइक लगा लेंगे ताकि आपकी आवाज़ हेलो में लगा दूँ, यानी साफ आए। तो भैया जी जो काजू बादाम है, चलो बादाम में शुरू करते हैं। बादाम जो है सबसे कम प्राइस है, कौन सा रहता है आपके यहाँ? 500 रुपये किलो से स्टार्ट, 500 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाता है बादाम गिरी। तो भैया बता रहे हैं 500 रुपये किलो के हिसाब से शुरुआत हो जाती है बादाम गिरी की। इसका क्या नाम होता है भैया जी? ये नॉर्मल बादाम है सर, इंडिपेंडेंट नाम होता है, इंडिपेंडेंट नाम होता है, नॉर्मल बादाम है जो कि 500 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको। इससे ऊपर का जाए तो, इससे ऊपर का जाइएगा तो आपको कैलिफोर्निया आएगा। कैलिफोर्निया, ये अमेरिका वाला जो बादाम होता है कैलिफोर्निया, वो किस पैसा पड़ेगा? वो पड़ेगा आपको 600 रुपये सर, 600 रुपये किलो। ये कैलिफोर्निया बने भारी मात्रा में आपको ऑयल कंटेंट मिल जाएगा, आप देखो इसमें ऑयल मिलेगा। अच्छा, भारी मात्रा में आपको उसमें ऑयल कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये देखो ऑयल भी भैया चेक करा के देंगे, ठीक है। हल्का सा नखून लगाया और इसमें ऑयल आ गया, ठीक है, 600 रुपये किलो। इससे अच्छा जाए तो, इससे और अच्छा जाइएगा तो फिर सनोरा गिरी आएगा, इसी का बड़ा साइज, इससे बड़ा साइज, वो भी कैलिफोर्निया का होता है। वो किस प्राइस रहेगा? वो पड़ेगा आपको 700 रुपये किलो, 700 रुपये। एक आधा देख सकते हैं भैया जी, थोड़ा सैंपल अगर देखना चाहे तो, वो 700 रुपये किलो। 500 से शुरुआत किया था, 500, 600 और उसके बाद 700 रुपये, ठीक है। कौन सा नीचे रखा है दिखा दीजिए। हाँ भैया दिखा रहे हैं, तो काफ़ी वैरायटी रखी है बादाम की यहाँ पर, आप ले सकते हैं। जैसे भैया ने दिखाया था 500 रुपये, 600 रुपये और ये अब जो दिखा रहे हैं ये 700 रुपये से, इसमें साइज़ आ गया बड़ा, ठीक है। ये देखें, ये साइज बड़ा है जो कि भैया बता रहे हैं 700 रुपये किलो के हिसाब से। इसका क्रंची टेस्ट भी आएगा सर। अच्छा, क्रंच भी है, टेस्टी भी है, ऑयल भी है, दोनों है, बहुत ही बढ़िया। अगर भैया इससे भी अच्छा कोई बादाम रखते हैं आप? इससे सर बढ़िया आप चाहिए होगा तो इससे बढ़िया मामरा मिल जाएगा आपको, ऑर्डर पे होता है सर। अच्छा, ऑर्डर पे होता है, कोई भी कस्टमर आएगा। मामरा क्या हिसाब से पड़ेगा? मामरा सर पड़ेगा ऐसे मार्केट में तो चल रहा है 2400-2600 रुपये रेट, 2600 रुपये। हाँ अच्छा, और जब इसके बाद आते हैं काजू, काजू कहाँ शुरुआत हो जाती है लगभग? काजू का सर हमारे पास हो जाता है स्टार्ट 500 रुपये किलो से, 500 रुपये किलो के हिसाब से। बादाम और काजू दोनों 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, दोनों 500 रुपये शुरुआत। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, बादाम लो चाहे काजू लो शुरुआत 500 रुपये से जाती है। देखते हैं 500 वाला बादाम भैया के पास कौन सा रहता है, काजू 500 रुपये में जो बादाम आएगा सर, काजू
ये होटल होटल के पर्पस के लिए। अच्छा होता ये होटल होटल जो भी बना लो अपना होटल होटल के जो काजू की जो बर्फी बनती है उसमें इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। 500 रुपए किलो के हिसाब से कड़वा बंद तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं सर, एक दाना भी कड़वा नहीं निकलेगा इसकी फुल गारंटी। अच्छा इसके ऊपर का जाए तो भैया, इसके ऊपर जाइएगा तो सर 600 आएगा व्हाइट में। अच्छा एक बार थोड़ा देख सकते हैं 600 वाला, ये 500 रुपए है जो कि भैया बता रहे हैं कि हलवाई ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है इसके बाद 600 रुपए किलो वाला रहेगा वो देखते हैं। ये देखो सर ये व्हाइट में होगा, ये व्हाइट के अंदर होगा। वाह भाई वाह, इस तरह का दाना है जो कि 600 रुपए किलो रहेगा। इससे ऊपर जाए तो, इससे ऊपर जाइएगा तो इसमें बड़ा साइज आ जाएगा वो 700 रुपए हो जाएगा, 700 रुपए रहेगा। ठीक है भैया एक WZ आता है वो 24 नंबर का, 240 नंबर वो क्या प्राइस रहेगा? वो 750 सर, 750 रुपए वो लगभग 1 इंच का दाना रहता है ना, वो दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई साहब ये दाना है जो बड़ा है। ठीक है इसको 240 बोलते हैं WZ ना, ये क्या रेट पड़ेगा भैया जी? ये 750 सर, 750 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अच्छा वो उसको क्या बोलते हैं भैया, पिस्ता क्या हिसाब रहेगा भैया जी? पिस्ता सर देखो मार्केट में हर तरह का प्राइस है, 1200 है, 1100 है, कोई 1400 भी है, लेकिन हम एक ही रेट देंगे 1000 रुपए। ये 1000 रुपए के हिसाब से रहेगा। ईरानी पिस्ता नहीं, ईरानी पिस्ता है सर जो लाल रंग का निकलेगा। हाँ, बिल्कुल ये देख सकते हैं ईरानी पिस्ता है जो कि ये देखो निकालोगे बिल्कुल इसी लाल, बहुत ही बढ़िया, मात्र 1000 रुपए का आपको ये मिलने वाला है। ठीक है और इसके बाद अगर हम बात करें ये किशमिश किस प्राइस से शुरू होती है? वैरायटी स्टार्ट हो जाती है मात्र 200 रुपए सर, 200 रुपए। 200 वाला कौन सा रहेगा किशमिश? 200 से स्टार्ट हो जाती है सर, देखिए ये 200 की रहेगी, 240 फिर आ जाएगा बढ़िया कंदारी किस्मत 280 रुपए के लिए, 280 रुपए यानी 200 से शुरुआत है। मिठास बराबर रहती है सब में, ये कंदारी हो गया ना सर, कंदारी ये अच्छा क्वालिटी रहता है 280 रुपए। ये दुकान उकान में लोग 300-350 करेंगे। अच्छा अच्छा वो भैया वो जो गिरी है क्या नाम है उसको, अखरोट की गिरी अखरोट के साथ पड़ेगा साबुत अखरोट तो सर हमारे पास 200 रुपए किलो से स्टार्ट, 200 रुपए किलो अखरोट पड़ेगा। अरे वाह देख सकते हैं 200 वाला कौन सा रहेगा वाला दिखा भाई, कागजी अखरोट महंगा रहा हुआ है ना, कागजी महंगा होता है ये अखरोट 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। वाह भाई वाह ठीक है, ये प्रसाद वसाद में काम आता होगा ना, प्रसाद सामग्री वगैरह में हवन हवन प्रसाद में काम आता है। और ये कागजी अखरोट ये आपका कागजी हो गया, ये देख सकते हैं। अरे वाह एक ही मुट्ठी दबाया और टूट गया, ये किस हिसाब से पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो बहुत ही बढ़िया भैया, अखरोट की ये है। और इसमें गिरी आती है, गिरी के हिसाब से गिरी जो है वो देखो दिखाओ, गिरी देखते हैं भैया गिरी किस हिसाब से देते हैं, गिरी में भी 3-4 वैरायटी होती है। हाँ सर गिरी में भी आप व्हाइट मांगो तो व्हाइट मिल जाएगा। अच्छा ये देखो गिरी इस तरह की रहेगी, आपको 700 रुपए किलो से आ जाएगा और 700 रुपए किलो के हिसाब से, इतने से दाने में आपको ऑयल कंटेंट दिखा देता हूँ। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, और इससे बढ़िया 700 रुपए किलो के साथ रहेगा। और ये कड़वा तो नहीं रहता भैया? नहीं सर कड़वा नहीं होगा बिल्कुल, कड़वा नहीं रहता बिल्कुल, साफ रहेगा बिल्कुल, कड़वा नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया, मात्र 700 रुपए किलो के हिसाब से रहेगा। अगर इससे अच्छी क्वालिटी में अगर हम अच्छी क्वालिटी में भी दिखा देते हैं सर आपको, अच्छा अच्छी क्वालिटी भी देख लेते हैं। ये देखो एक अच्छी क्वालिटी वाले भैया भी लेके हैं बिल्कुल व्हाइट, ये किस क्या नाम है इसका? इसका सर कश्मीरी अखरोट, कश्मीरी अखरोट अच्छा आता है बिल्कुल अच्छा, तो ये कश्मीरी अखरोट है जो भैया बता रहे हैं। ये देखो अरे वाह भाई वाह, ये किस हिसाब से रहेगा? ये पड़ेगा आपको सर 950, 950 रुपए किलो के साथ, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहाँ शुरुआत करते हैं भैया, ये जो मखाने अभी मखाने का फिलहाल रेट तो बढ़ चुका है, अभी 900-1000 रुपए का रेट हो गया क्योंकि इसकी फसल जो है अभी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। अच्छा और फिर भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे 700 रुपए किलो, 700 रुपए किलो के हिसाब से ये मखाने मिल जाएंगे। और ये गोला भैया जी? गोला सर मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए किलो, मात्र 100 रुपए किलो के हिसाब से गोला मिल जाता है। ठीक है अभी जी ये क्या छुआरा बोलते हैं? छुआरा सर 180, 180, 200, 200, 220, 220, 240, 240, यानी कि 180 से शुरुआत है, 180 शुरुआत, बहुत बढ़िया। चलो इधर चलते हैं, ये जीरा के साथ बढ़ेगा? जीरा सर ओनली ऑन 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो के हिसाब से। और काली मिर्च भैया जी? काली मिर्च 650, 650 रुपए। और साबुत मिर्च भैया? साबुत मिर्च 220, साबुत मिर्च मिल जाएगी 220। और ये हल्दी की जो गांठ है, अभी प्राइस थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपको ये 150 रुपए किलो पड़ जाएगा, ये हल्दी मिल जाएगी 150 रुपए। और ये भैया धनिया, दोनों धनिया है? हाँ दोनों धनिया, ये 100 है, ये 120 है, ये 100 है, ये 120, 120। अच्छा भैया जी थोड़ा इधर आ जाए, आ जाओ। हाँ ये देखो भैया इसको क्या बोलते हैं इसको? ये सर आपका सोंठ हो गया, ड्राई सोंठ। सोंठ कितने रहेगा भैया जी? सर हमारे पास पड़ेगा आपको 600 रुपए किलो, 600 किलो। ये दालचीनी बोलते हैं ना? दालचीनी, हाँ सर, दालचीनी के 450 प्राइस है सर। कितने का? 450, 450। बड़ी इलायची ऐसे हम लोग बेचते तो है, मतलब मार्केट में बिकने का रेट है 320, 360 का 100 ग्राम, लेकिन आपको पड़ेगा 240 रुपए, 240 रुपए किलो, बहुत बढ़िया। ये लॉन्ग भी सर ऐसे 160-180 रुपए का 100 ग्राम पड़ी, 120 रुपए पड़ेगा, 120 रुपए 100 ग्राम, 100 ग्राम। और ये छोटी इलायची भी 360 रुपए का 100 ग्राम, ये 260 रुपए पड़ेगा, 260 रुपए किलो। ये 9 mm होगा, प्योर 9 mm, 9 mm वाला। देखो इलायची, देखो 9 mm वाली इलायची, 9 mm इलायची है। और प्लस में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, दाना निकलेगा इसमें, दाना इसमें निकलेगा और बिल्कुल बढ़िया दाना निकलेगा सब में। अरे वाह भाई इलायची में दाना जरूर निकलेगा, ठीक है, खाली खाली वाला नहीं है, खाली वाला नहीं होता है सर। ये देखो भाई साहब हर इलायची में आपको दाना मिलेगा,
बहुत ही बढ़िया। अच्छा भैया, ये स्टार फ्रूट है? नहीं, स्टार फूल है सर, ये भी बेचने को तो 240 260 रुपए की 100 ग्राम बिकती है, पर ये आपको 160 पड़ेगा। 160। अच्छा भैया, ये बीज के साथ देते हैं आप? बीज ये, हाँ सर, आज ये सीड्स देख लीजिए, ये बीज के साथ देंगे आप लगभग? सीड्स सर देखिए, हम सीड्स पड़ेगा आपको ये वाला 120 की 100 ग्राम, 120 का 100 ग्राम, और ये पड़ेगा आपको 120 रुपए का 100 ग्राम, ये भी 120 का 100 ग्राम। मस्टमेलन जो सीड्स सर अभी महंगा हुआ पड़ा है 1700-1800 रुपए किलो, पर ये आपको पड़ जाएगा 1200 रुपए। और अलसी के बीज जो है, वो अलसी के बीज सिर्फ मात्र 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो दे देंगे। अरे वाह भाई, अलसी के बीज दे लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बिकता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बहुत बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत काम आता है, फैट काटने के काम में आता है, ओमेगा 3 रहता है इसके अंदर, ओमेगा 3 होता है, ठीक है। और भैया ये मिर्ची पाउडर क्या है? मिर्ची पाउडर सर हमारे पास ओरिजिनल पिसवाया, घर का पिसवाया होता है। ये किस तरह मिर्ची 220 रुपए किलो साबुत है, साबुत पर आपको पिसा हुआ दे देंगे 240। 240 रुपए, 20 रुपए का फर्क रहेगा। और ये धनिया, धनिया सर आपको पड़ जाएगा ऐसे, धनिया 100 रुपए किलो है, पर आपको ये पड़ जाएगा 120 रुपए, 20 रुपए का फर्क आएगा, 20 रुपए फर्क आएगा, बहुत बढ़िया। भैया ये गुलाब के फूल, गुलाब ड्राई रोज पड़ेगा 80 रुपए का 100 ग्राम, 80 रुपए का 100 ग्राम। ऐसी बहुत सी भैया के पास आइटम है, मुझे इनकी आइटम में काफी पसंद आई, ठीक है। भैया जी, आपको शुभ नाम क्या रहेगा? सर हमारा रोहन नाम है। रोहन नाम है, कहाँ बैठे थोड़ा बताएंगे? कोई आना चाहे, हम बैठे हुए पीली कोटी मिठाई पुल पे, बिल्कुल ये मिठाई पुल है, ठीक है। और एग्जैक्ट लोकेशन आपका जो है झांसी की रानी का पुतला सामने, झांसी की रानी नहीं है, अविंद का भाई है, अविंद का भाई, वही बोल लो सर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ बैठे हैं भैया, अच्छा लगा रोहन भाई आपसे मिलके, और आपके जो रेट में काफी अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने मिलता है। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया मुझे देखने मिले मसाले, ठीक है। मसाले मिल जाएंगे आपको, पिसे हुए साबुत मिल जाएंगे, और आपको ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो पता करते हैं भैया से, यहाँ भी पता कर लेते हैं यहाँ क्या भाव से हम यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। भाई ये है ना, आप थोड़ा लगा लोगे यार, ताकि आपकी आवाज़ लाओ मैं लगा दूँ, हम तक साफ हो सके। तो भैया ये जो मसाले हैं, जैसे हल्दी है, हल्दी क्या भाव की पड़ेगी भाई? हल्दी ये 50 रुपए पाव किलो में माना जाए तो 180 रुपए किलो देंगे, 180 रुपए किलो के हिसाब से दे देंगे। और धनिया भाई? धनिया भी आपको वही रेट लगेगा, सेम रेट है 180 रुपए किलो। और ये मिर्ची भाई? मिर्ची आपको लगेगा 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। और ये कुटी हुई? 220। और भैया ये अमचूर है ना? नहीं ये गरम मसाला है, गरम मसाला है। ये के साथ देंगे? साउथ मसाले तो उसको पीस के रखते हैं अलग से। अच्छा, ये के साथ देंगे? इसका अगर आप किलो के बात करें तो आपको 240 रुपए लगेगा, 240 रुपए। ये अमचूर है? अमचूर 200 रुपए किलो, अमचूर 200 रुपए किलो। भैया ये क्या चीज है? ये राई है, राई, राई के साथ देंगे? राई 180 रुपए किलो दिया जाएगा, 180 रुपए किलो। और ये तो अलसी के बीज हो गए ना, ये के साथ देंगे? ये आपको पड़ेगा 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो के हिसाब से। और ये पीली सरसों है? हाँ ये पीली सरसों है, जैसे कुछ अगर वेजिटेबल में कुछ बना रहे हो, नॉन वेज ये, वो, ये मछली में पड़ता है, ये फिश में पड़ता है, ये सफेद पीली सरसों है, ये सरसों है, ये काली सरसों। ये क्या रेट देंगे भैया जी? ये आपको पड़ेगा 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो पड़ेगा आपको, 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो के हिसाब से। और ये तो सौंफ है ना? हाँ सौंफ क्या हिसाब देंगे? सौंफ है आप किलो लोगे 250 रुपए, 250 रुपए किलो। ये क्या चीज है भैया? कलौंजी, कलौंजी क्या हिसाब देंगे? ये पचफोरन में काम आता है, जो पचफोरन मछली वछली तड़का उड़का लगाने के लिए, ये आपको मात्र 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। और इसको क्या बोलते हैं भैया? मेथी दाना, मेथी दाना ये कितना देंगे? 120 रुपए, 120 रुपए। और ये क्या चीज है भैया जी? अजवाइन, अजवाइन किस देंगे? अजवाइन 180, 180। और ये सौंठ किस देंगे? आपको लगे 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो। और ये दालचीनी, दालचीनी आपको पड़ेगा, दालचीनी 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो। और ये साबुत धनिया, साउथ धनिया 100 रुपए किलो। और ये अच्छा चाय पत्ती भी बेचते हैं? चाय पत्ती यहाँ बेचते हैं, ये चाय पत्ती भी मिल जाएगी यहाँ पे। ये किसा देंगे? ये किलो लोगे आपको 180 रुपए लगा देंगे, 180 रुपए किलो के हिसाब से लगा देंगे। और ये क्या चीज है भैया? ये जीरा है, जीरा के हिसाब देंगे? ये आपको हम किलो में लोगे, पाव में लोगे 90, किलो में लोगे 350 रुपए, 350 रुपए किलो। और ये लॉन्ग, लॉन्ग हमारे यहाँ 1600 रुपए किलो में दिया जाएगा, 1600 रुपए। ये इलायची, इलायची 1800 रुपए किलो, 1800 रुपए किलो। ये स्टार फूल, स्टार फूल भी 1600। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, जायफल, इसको हाँ जायफल, जायफल 1800, कितना 1800, 1800 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे आपको। और देखते हैं, इधर चलते हैं भैया, और बहुत सी ऐसी आइटम है रखते हैं। ये किशमिश के हिसाब देंगे भैया? किशमिश हमारे यहाँ मात्र 160 रुपए किलो में, 160 रुपए। याली आपको 150 में दिया जाएगा। ये बादाम के जो टुकड़े, बादाम के टुकड़े मात्र 250 रुपए किलो में दिया जाएगा, 250 रुपए किलो के अंदर आपको बादाम के टुकड़े मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। और ये मखाने का नहीं? हाँ मखाने 80 रुपए पैकेट, एक 80 रुपए पैकेट एक है, बहुत बढ़िया। और तेज पत्ता किस हिसाब से भैया जी? तेज पत्ता कितना लोग है? 20 का 50 ग्राम है, 20 का 50 ग्राम है। हाँ, लेकिन जो हमारे कस्टमर वीडियो देख के आएंगे उनके लिए 10 का 50 ग्राम। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या चीज है भैया? ये दूध की लकड़ी जो है ना, जो बंदे अगर झूठ बूट बोल के बोलते हैं ये सफेद मुसली है, ये वो है, लेकिन ये असली में माना जाए तो ये दूध की लक्कड़ है, दूध की लक्कड़ है। हाँ, ये कितने देंगे? ये आपको पड़ेगा 100 का 50 ग्राम, 100 का 50 ग्राम। और बादाम का ये है कवड़ वाले बादाम, ये आपको 500 रुपए किलो में मिलेगा, 500 रुपए किलो के अंदर देंगे। अच्छा, गिरी की बात की जाए तो देखो, अच्छा ये गिरी ऐसे साबुत बादाम होता है ना। और ये क्या चीज है भैया? ये पीपला मूल, पीपला मूल ये किस देंगे? 80 का 50 ग्राम, 80 का 50 ग्राम। ये क्या चीज है भैया? पिस्ता, पिस्ता के साथ देंगे? पिस्ता आपको 100 का 50 ग्राम, 100 का 50 ग्राम। ये क्या चीज है भैया? चिरौंजी, जो आजकल बहुत हाई लेवल में चल रही है, ये चिरौंजी के साथ देंगे?
150 ग्राम मात्र 100 का 50 ग्राम 100 का 50 ग्राम। और ये बीज है नहीं? हाँ। किस चीज का बीज है? ये तरबूज के बीज है। ये किसान देंगे? ये आपको पड़ेगा 250 रुपए। 250 रुपए। ये वाला भैया? वो 350 रुपए। 350। ये कौन सा बीज है? ये खरबूज। खरबूज के। और ये भैया ये कनी है, कनी गोंद की कनी, आपको मिलेगा मात्र 150 रुपए पाव। 150 रुपए। ये वाली भैया? ये मेरा ये भी गोंद है, 100 रुपए पाव में आपको मिलेगा, ये थोड़ा लो में। 100 रुपए पाव। तो भैया इस तरह की भैया क्या आइटम है, और बहुत सारी आइटम है। अच्छा लगा भाई, क्या नाम है दोस्त आपका? नाम मेरा शिवा, मैं झूठ ना बोलू जब भी मुँह खोलू, महंगी वाली डाइट में सस्ते मांग में। अरे अरे डायलॉग के साथ वैसा मिला हाथ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ बैठे भैया? भैया हम बैठे मिठाई पुल 30,000 मिठाई पुल पीली कोठी, और यहाँ 30,000 के स्टेशन मेट्रो स्टेशन के पास। भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लगा शिवम भाई आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें देखने को मिली दालें, ठीक है, सभी प्रकार की दाल हमें यहाँ पे देखने को मिली। पता करते हैं भैया ये किस किस बैच के हमें यहाँ पे दाल देखने को मिल जाती है, या मिक्स दालें मिल जाएंगी, ये चने भी मिल जाएंगे, राजमा भी मिल जाएंगी, तो पता करते हैं यहाँ से। भैया ये मिक्स दाल क्या भाव पड़ेगी लगभग? ये वाला 70 रुपये किलो के हिसाब से। चलो भाई ठीक है। और ये काले चने 80 रुपये। और ये राजमा भैया जी 130 रुपये। और ये वाला? ये वाला ज़्यादा 80 रुपये। 80 रुपये। और ये भैया जी ये सफ़ेद छोले जो हैं 100 रुपये। और ये वाला 120 रुपये। अच्छा भैया जी ये कौन सी दाल है? मोट है ये, मोट की दाल के इसका पड़ेगा? अच्छा अच्छा मोट कचौड़ी में जो काम आती है 90 रुपये किलो के हिसाब से देंगे। ये हमने पता कर लीजिए, साबुत मूंग है जी 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के हिसाब से। ये छिलका 110 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, ये कौन सी दाल है भैया? काली मसूर। ये किस हिसाब से देंगे? 80 रुपये। और ये माँ की दाल बोलते ना, 100 रुपये किलो के हिसाब से। ये कौन सी भैया जी? हरड़ की है। ये किस हिसाब से देंगे? 120 रुपये किलो। और ये वो 110 है। ये भी हरड़ भी है, ये भी हरड़ी है ना, क्वालिटी अलग अलग है। अच्छा भैया जी ये कौन सी दाल है? ये दली मसूर। ये किस हिसाब से देंगे? 80 रुपये। और ये वाली? ये भी 80 रुपये। और ये कौन सी भैया जी? ये 100 रुपये। दाल कौन सी है? उड़द छिलका है ये, हैं? ये कितने मतलब बताया आपने? 100 रुपये किलो। और ये धुली है, उड़द धुली 130 रुपये। चलो ठीक है। और ये कौन सी चने की है? ये भी अरहर की है, ये देखना। अच्छा छिलका है ये, कितने देगा भैया जी? 140 रुपये। हरड़ की है 140 रुपये किलो के हिसाब से। और चने की भैया जी? 80 रुपये। और ये वाली भैया जी? 100 रुपये। ये चने की है, ये भी हरड़ की है, कानपुरी हरहर। यार आपके हरड़ का बहुत सा वैरायटी है ना। अच्छा ये भी हरड़ी है, ये किस क्या भाव रहेगा? अच्छा ये भी 100 रुपये। ये मूंग छिलका है ना, धुली धुली, ये किस हिसाब से देंगे? 110 रुपये किलो के हिसाब से। ये मटर की दाल है, ये किस हिसाब से देंगे भाई जी? 60 रुपये किलो के हिसाब से। और ये कौन सी है? साबुत मटर है। ये किस हिसाब से देंगे भाई जी? 60 रुपये। इस तरह के भाई के पास दालें, काफ़ी सारी दालें, ठीक है। और भैया होल सेल रिटेल दोनों में काम करते हैं आप? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई जी। क्या नाम रहेगा आपका? सनी। सनी देओल 2 किलो का घुसा। चलो भाई ठीक है, सनी भाई हैं जो कि पुल मिठाई बैठे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया मुझे मसाले देखने मिले, और मुझे ये गरम मसाला भी देखने को मिला, ठीक है। गरम मसाले आपको साबुत गरम मसाले भी मिल जाएंगे, और यहाँ भैया हमें काला नमक भी मिल जाएगा। काला नमक भैया ये सेंधा नमक है? लोहंदी कौन सा? लोहरी। लोहरी से नमक है, और ये काला नमक है, ठीक है भैया। पता करेंगे भैया, माइक लगा लो ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुँच सके। अच्छा भैया ये नमक किस हिसाब से देंगे? लोहरी नमक, ये लोहरी सेंधा नमक है। ये सेंधा नमक है, ये किस हिसाब से देंगे? ये बर्तुर्त में सब में आ जाता है काम में। अच्छा ये किस हिसाब से देंगे भैया जी? ये 50 रुपये किलो है। 50 रुपये किलो सर। अभी ये वाले? ये भी 50 रुपये। ये भी 50 रुपये किलो। ये तेज पत्ता भैया जी? तेज पत्ता, तेज पत्ता तो 20 की 100 ग्राम है। 20 रुपये की 100 ग्राम, यानी 200 रुपये किलो के हिसाब से देंगे। किलो में कितना दे देते हैं? किलो में 140 रुपये। 140 रुपये किलो देंगे, ठीक है। और ये साबुत धनिया भैया जी? साबुत धनिया ये 90 रुपये किलो है। 90 रुपये किलो। अच्छा ये गरम मसाला, ये गरम मसाला किस हिसाब से दे रहे भैया जी? ये गरम मसाला ये 70 रुपये का 250 ग्राम। 70 रुपये 250 ग्राम। और ये वाला? दोनों वही रेट है। दोनों वही रेट है। हाँ। आपने दो बोरे भर रखे अलग अलग। चलो ठीक है। और जीरा किस हिसाब से दे रहे भैया जी? जीरा ये अभी 320 रुपये किलो है। 320 रुपये किलो। और ये काली मिर्च जो है? काली मिर्ची आपका ये 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। और ये साबुत हल्दी भैया जी? ये 190 रुपये किलो। 190 रुपये किलो। और ये साबुत मिर्च जो भैया जी? 250। 250। और ये धनिया?
वो भी 100 अच्छा 100 या 90 और भैया ये जो चाय पत्ती है वो चाय पत्ती के साथ दे रहे चाय पत्ती है 50 की 250 ग्राम 50 की 250 ग्राम और ये भैया ये किस हिसाब देंगे चना वो 120 रुपए किलो 120 रुपए किलो के हिसाब से देंगे और मूंगफली भैया 120 ये भी 120 मिलेगी भैया बहुत ही बढ़िया और देखते हैं भैया जी इसको क्या बोलते हैं मेथी के हिसाब देंगे 30 रुपए की 250 ग्राम 30 रुपए की 250 ग्राम और भैया जी ये क्या चीज़ है अजवाइन के हिसाब से देंगे भैया जी 60 की 250 ग्राम 60 की 100 ग्राम पाव और इसको सोंठ बोलते हैं भैया सोंठ के हिसाब देंगे भैया 70 का पाव और दालचीनी भैया जी 80 के पाव और भैया ये बड़ी इलायची के साथ देंगे भाई जी बड़ी इलायची ये वाली 160 की 100 ग्राम 160 की 100 ग्राम और ये छोटी इलायची भाई जी ये वाली 180 रुपए का 100 ग्राम 180 का 100 ग्राम और ये क्या चीज़ है भैया जी ये जावित्री है ये जावित्री के साथ देंगे जावित्री 200 रुपए की 100 ग्राम कितना 200 रुपए की 100 ग्राम 200 की 100 ग्राम अच्छा भाई बहुत बढ़िया इधर चलते हैं तो भाई जी ये अलसी के बीज के हिसाब देंगे 30 की 250 ग्राम 30 की 250 ग्राम ये पीली सरसों ना ये पीली सरसों ये किस हिसाब देंगे ये भी 30 की 250 ग्राम किलो 100 रुपए ये काली सरसों सेम रेट है भैया जी ये क्या चीज़ है ये पचफोरन है सारा इसमें मिक्स है जीरा सोप अचार में काम आता होगा अचार में आता है दाल फ्राई में भी दाल फ्राई में आता है ये किस हिसाब देंगे भाई जी ये भी 30 के पाव 30 का पाव ये साबूदाना बोलते हैं हाँ जी ये किस हिसाब देंगे भाई जी 100 रुपए किलो 30 के पाव 100 रुपए किलो 30 के पाव भैया जी ये क्या चीज़ है ये कलौंजी है किस हिसाब देंगे भाई जी ये 70 के पाव 70 के पाव और ये जायफल है ना जायफल के हिसाब देंगे भाई जी 120 की 100 ग्राम 120 की 100 ग्राम ये जो फूल का ये 80 के 100 ग्राम 80 के 100 ग्राम ये क्या चीज़ है भैया जी ये कस्तूरी मेथी है कस्तूरी मेथी के हिसाब देंगे ये 80 के 100 ग्राम 80 के 100 ग्राम ये छबीला है छबीला के हिसाब देंगे 60 के 100 ग्राम 60 के 100 ग्राम ये क्या चीज़ है भैया जी रतन जोत के हिसाब देंगे ये 80 के 100 ग्राम 80 के 100 ग्राम ये तो धनिया ना हाँ ये तो हमने वहाँ पता कर लिया था धनिया ठीक है और क्या करते हैं ये गर्म मसाला है गर्म मसाला ये किस हिसाब देंगे गर्म मसाला 100 रुपए के 250 ग्राम 100 रुपए के 250 ग्राम और ये कुटी हुई मिर्च जो है पिसी हुई है 70 के पाव कुटी हुई 80 के पाव है 80 की पाव कुटी हुई पिसी हुई 70 की और धनिया भैया जी धनिया 80 रुपए पाव और हल्दी 30 की पाव इस तरह की ये भाई आइटम बेचते हैं ठीक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनकी आइटमें देख के एक भैया वो हैं एक भैया ये हैं थैंक यू सो मच भैया आपका नाम क्या रहेगा मुकेश जी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर एक भैया ये भैया जी हाय कर दो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए तो भाई ये थी आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना वीडियो लाइक करना कमेंट्स करना शेयर करना और अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखना तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे जब तक के लिए हर हर महादेव।